इसीलिए डीसी की वजह से मरती हूँ. क्या हो गया? मैं निकाल रहा हूँ वो चार देख. ओ मैं वही क्या कर रहा है. थोर भाई लोग क्या हाल चाल है यार. अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी ग्राफिक्स सेटिंग क्या है. तो भाई देखो मेरा जो ग्राफिक्स है वो स्मूथ रहता है ताकि मेरे को मैक्सिमम फ्रेम रेट मिल सके, क्योंकि पबजी में ग्राफिक्स से ज़्यादा फ्रेम रेट इंपॉर्टेंट है. और रही बात टेक्सचर की, तो मैं यूज़ करता हूँ मूवी. मैक्सिमम लोग कलर यूज़ करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उसमें ज़्यादा बेटर स्पॉटिंग होती है. बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ग्रीन कलर, खास करके घास का जो ग्रीन कलर होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है तो आंखों में चुभता है. तो इस वजह से मैं मूवी रखता हूँ, क्योंकि वो सारे कलर को टोन डाउन कर देता है. आपको पहले दिन थोड़ा सा डल डल लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है. और मेरे को मूवी ज़्यादा बेटर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा बेटर स्पॉटिंग करता हूँ. तो इस वजह से मैं मूवी ग्राफिक्स यूज़ करता हूँ. पहले कलर यूज़ करता था, लेकिन अभी करंटली मूवी ही मैं यूज़ कर रहा हूँ. और मैं आ रहा तेरे पीछे से. कभी आ रहा आज ज्यादा लेजिट इधर वालों को पहनते हैं. अरे यार तो बेटा यहां पे आइए पीछे चलते हैं. लास्ट बंदा एनिमीज अहेड. बता रे यार चूतिया फिनिश कर रहा है यार टट्टा. बट मैं निकल रहा हूं खेल में आता हूं तो चूतिया को फिनिश कर रहा है यार वो सुअर का बच्चा. ही लगा दे पर भी लगा दे. अब फिलहाल हम लोग ने याली स्क्वाड तो खत्म कर दी थी, लेकिन ये एक लौती स्क्वाड तो यहाँ पर थी नहीं. यहाँ पर दो और स्क्वाड्स थी जो कि आपस में लड़ रही थी. तो हम लोग ने सोचा थोड़ा हाइट एडवांटेज लेके उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं. अब यहाँ पर हमको मिला के ऑलरेडी तीन स्क्वाड थी, लेकिन बाहर से एक और स्क्वाड आ गई तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई. तो हम दोनों डिसाइड करा कि यहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक है. तो हम लोग ने एक बगी उठाई और गए आगे वाले कंपाउंड पे, क्योंकि हम लोग को पता था देर से अगर वहाँ कोई ना कोई गाड़ी लेने जरूर आएगा. अब फिलहाल उन दोनों स्क्वाड के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी और सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर पाया था जो कि यहाँ गाड़ी लेने आ गया. अब इस बंदे को तो हम लोग ने मार डाला, लेकिन लेजेंड इस बात के लिए खुश था कि अब इसके टीममेट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत देर से बैठा वेट कर रहा था. तो वो इस बात के लिए खुश था कि कम से कम इसके टीममेट जाके एक नया मैच तो खेलेंगे. लेजिट सिर्फ तेरे से. अब हम लोग को इतना तो अंदाजा था कि यहाँ पर स्क्वाड्स हो सकती है, क्योंकि दो गाड़ी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था. लेकिन बाहर से यहाँ पर एक गाड़ी आ गई और लेजिट ये सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका लड़ने का भी बिल्कुल मूड नहीं था. अब फिलहाल ये दोनों बंदे कुछ खास नहीं कर पाए, खुद ही कंफ्यूज थे, लेकिन उसके बाद सामने घमासान था. अरे हार्ड
कतई जहर रिफ्लेक्स है। अरे नहीं यो था भाई असली लेजिट ये बीड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मोदी की नहीं है भाई ईएसपी लगा रखे ईएसपी वो भी ट्रेन का भाई देख कैसे स्पोर्ट कर रहा है अरे क्या कर रहा है ये ऐसे उठा रहा है चलो चल गए जा जा इतनी दूर है वो तीन बंदे बचे हैं बस एक बंदा बचा है मतलब दोनों का तो जा 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 अबे नहीं कवर नहीं दे पाने एंगल नहीं है दूसरी गाड़ी से आ जाओ दो ऊपर गाड़ी ऊपर एक और गाड़ी है वहां ओके ओके यो ता असली फार ओ बबे अब दिखा रियल गेम अब गुस्सा केला भाई साहब वो गेम तो आराम से चिकन डिनर हो गया था बारी थी एक और गेम की M24 को चलाएगा अब भाई साहब PUBG में मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो शॉटगन्स अब वैसे सच बोलो तो शॉटगन लक के ऊपर है कुछ लोग होते हैं जिनके शॉटगन भैया खतरनाक AWM की तरह चलती है और कुछ भाई पिस्टल से भी बदतर हैं जैसे कि मैं अरे हार्ड धक्के करा दिए खिड़की पे नीचे और अरे बहुत ही हार्ड लेजेंड ऐसे ही नशे करा दिए भाई नशे ना रुक जा नहीं मैं लूट के जाऊंगा छोटी साइकिल लेने आ रहे हैं थोड़ी इसकी प्लेट कहते बापू ले जा तो बूम गाइस सब आ चुके हैं अपने घर की छत पे अब यहाँ से कोई भी बंदा आ रहा हो उसके भखड़ मचा दो जैसे कि लेजिट नूब आया इसे मार सकते हैं भला कि ऐसे नहीं आएगा कभी भी टीपी भी लेता आएगा अब ठीक है समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैं भी सबसे चढ़ना चाह रहा था तो मैंने लेजिट को बुलाया लेकिन वो बंदा एक बार में तैयार हो गया और दूसरों को भी बोलने लगा कि चलो मैं छत पे चढ़ाता हूँ और ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो बिना फायदे के कोई काम करता नहीं है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और फिर बाद में समझ में आया ये चीज सारे प्लेयर अंदर ये बलिदानी मेरे को देनी पड़ेगी रुक जा अबे सब कुछ चढ़ा के कर लिया अंदर उनने भाई क्या लोल कर दिया मारो अबे कितना पट्टा भाई जस्ट वेटिंग फॉर इट अबे ये पड़ी तो हां ये रहा ये तो गाइस मन तो कर रहा था इसको यहीं ठोक दूं लेकिन क्या करूं गन्स काम नहीं करती टीममेट पे और अगर हेड डालता तो मेरिट खा जाता क्योंकि ये बंदा एक मौका नहीं छोड़ता मेरिट खाने का अब भाई ये स्क्वाड तो खुद पछता रहे होगी कि ये आए क्यों यहाँ पर लेकिन अब आए हैं तो लॉबी में गए हैं क्या कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर हम लोग का फ्लेयर देख के एक और स्क्वाड आ गई बहुत लेट है अब भाई बंदे ने यहाँ पर नेट डाल दिया तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ाया लेकिन पीछे आके बच गया बात करो ना नोक नेट मार रहा मैं बात और पे बंदा आ रहा है भाई यहाँ पर इतना हाथ में स्वेट था ना कि पूछो मत उंगलियां फिसल रही थी
अब फिलहाल इसको नॉक कर दियो और बाकी एक बचे बंदे को मेरे टीम मेट और ठोक डालो। उसके बाद हम लोग गाड़ी से यहाँ पर आए और हम लोग को पता था कि स्क्वाड हाउस में बंदे हैं। अब मैंने एक को बॉडी शॉट मार के नॉक कर दिया, लेकिन लेजिट पहले मेरी तफरी ले रहा था कि बॉडी शॉट पड़ी, लेकिन फिर जब पता चला कि नॉक हो गया तो कह रहा चलो 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 पुश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी कार आ गई और हम लोग का ध्यान बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे पीछे की सीट पर बैठने का नुकसान, टीममेट सब कुछ कवर कर लेते हैं। भाई कमाल की बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, बट जिन बंदे को मैंने स्क्वाड हाउस में नॉक करा था वो फिनिश हो गया, क्योंकि उसके बंदे जो थे वो इस डर में बैठे हुए थे कि हम लोग उनके ऊपर पुश करेंगे, उसको रिवाइव ही नहीं मिला। अब उसका एक किल मेरा कंफर्म हुआ और यहाँ पर मैंने गाड़ी में भी पता नहीं कैसे एक को नॉक करके फिनिश कर दिया। अब फिलहाल ये बंदा तो बच गया, लेकिन हम लोग को पता था कि बंदे कहाँ है क्योंकि अपना टीममेट नॉक हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक अंदर लेट डालते हैं, लेकिन लेट टकरा के बाहर गिर गया और मैं चिल्ला रहा था कि हट जा वहाँ से, लेकिन भाई को आवाज़ नहीं आई और मेरी मेरिट भी खा गए। अब फिलहाल मैंने एक और लेट करा, उससे एक बंदा नॉक होगा और यालो तुम्हारी गिर गया। अब यह आखिरी बचा हुआ बंदा था अपनी स्क्वाड का, इजी चिकन डिनर। Oh,